चलिए अब एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा से जुड़ी आप तक पहुंचा देते हैं। आज बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और साथ ही पीटी, ईटी की परीक्षा आयोजित होगी। जयपुर में 301 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होगी। सुबह की पारी में 85 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा होने जा रही है। और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता ललित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, चूंकि 8:15 और 8:20 कुछ का ये समय हो चुका है और कोरोना काल में कुछ समय पहले ही बुलाया जा रहा है, तो क्या परीक्षार्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है? कैसी तस्वीर वहां से सामने आ रही है ललित? जी बिल्कुल लवीना, आपको बता दें कि जो परीक्षा है उसकी शुरुआत 9 बजे होगी, लेकिन प्रवेश पहले ही जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके तहत जो प्रवेश है वह दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल गोले बना रखे हैं, 2-2 गज की दूरी के अनुसार गोले बना रखे हैं। और उसके बाद जाँच करके जो है, पहले उनके प्रवेश पत्र की जाँच हो रही है, उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, साथ ही उनका टेम्परेचर है वह नापा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में टीचर मौजूद हैं जो लगातार जो जाँच है वह कर रहे हैं। एक एक छात्र की यहाँ जो प्रवेश पत्र है, उनकी आईडी है, उसकी जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार के छात्रों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। 8:10 पर यह प्रवेश दे दिया गया था और लगातार जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको लेकर भी कल एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से कोरोना की गाइडलाइन के तहत आपको प्रवेश देना है। मास्क लगा रखे हैं, मास्क का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, इसके साथ ही बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवा के ही अंदर जाने दिया जा रहा है। सुबह की अगर पारी की बात की जाए तो सुबह की पारी जो 9 से 12 बजे तक आयोजित हो रही है, उसमें 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड की परीक्षा आयोजित हो रही है। राजधानी जयपुर में 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 20,352 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 12 बजे तक चलेगी, तो वहीं 3 से 6 बजे तक जो है वह 2 वर्षीय पीटीईटी की परीक्षा आयोजित की कराई जाएगी। लगातार जो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जाँच की जा रही है और टेम्परेचर जाँच करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। पहले उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, 2 जगह हाथ सैनिटाइज करवाए गए हैं। पहले मुख्य गेट पर हाथ सैनिटाइज करवाए गए थे, तो वहीं अब आगे आने के बाद देखने को मिलती है। ललित, इसकी क्या कोई जानकारी कि अंदर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, स्टूडेंट्स को कैसे बिठाया जाएगा? चूंकि कोरोना काल है तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालना पूरी तरीके से करनी होगी। जी बिल्कुल लवीना, आपको बता दें कि अंदर भी 2 गज की दूरी से ही बिठाया जाएगा। परीक्षार्थी जो पहले हुआ करते थे उनकी संख्या आधी कर दी है, कमरों के हिसाब से परीक्षार्थियों को वहाँ बिठाया जाएगा। 2 गज की दूरी है, जो सैनिटाइजर की बोतल है वो उनको साथ लानी पड़ी है। इसके साथ ही जो अन्य, अगर आपको दिखाना चाहें कि अब परीक्षार्थियों का अंदर बैठना शुरू हो गया है और पूरी गाइडलाइन के तहत उनको अंदर बिठाया गया है। जो टीचर्स हैं यहाँ पर वो पूरी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई गैदरिंग ना हो उसको लेकर भी पूरी सुरक्षा बरती। बिल्कुल ललित, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, चूंकि एग्जाम कराए जाने भी जरूरी थे, इसीलिए एग्जाम कराए जा रहे हैं, कोरोना काल है, लेकिन तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी पूरी है और इसी को लेकर ये आयोजित करवाने एग्जाम